जिस दिव्य रस का यहाँ वर्णन आ रहा है, ये हमारे वर्तमान समय में अनुभव के परे है। इसको अनुभव करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि दिव्य रस का यहाँ बताया गया है अनेक प्रकार के रसों का मिश्रण, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म, जो बड़ा आनंददायक होता है। हम केवल इसको श्री अरविंद गोस्वामी के अनुसार इसकी व्याख्या समझ सकते हैं, अन्य किसी प्रकार से उसको समझाना बड़ा कठिन। यह अनुभव का विषय है, इसलिए इसको क्या समझा सकते हैं। गुरु गोस्वामी ने जो समझा दिया वह समझा, तो इसको यथार्थ रूप में स्वीकार करनी बातों को। अभी हमारे अनुभव के बने हैं, लेकिन केवल इसको समझ करके या अपने मन में रख करके समय आने पर यही चीजें हमें धीरे धीरे करके अनुभव तो समझाते हैं कि कोई भी हम कार्य रुचिपूर्ण तब करते हैं जब हमें उससे कुछ रस मिल रहा है, कुछ आनंद मिल रहा है। इसी प्रकार से हम संसार में देख सकते हैं, कोई इतनी मेहनत करके माउंट एवरेस्ट चढ़ के जाता है, इतनी कठिनाइयां हैं, कितनी समस्याएं हैं, लेकिन फिर भी जा रहा है। हमें और आपको कहा जाए तो हम कहेंगे क्या सुन, लेकिन कुछ लोगों को इतना उत्साह होता है कि वो ट्रैकिंग करते हैं, एक बन जाते हैं। क्यों? उनको कुछ ना कुछ उसमें रस मिल रहा है। इसी प्रकार से किसी को पैसा कमाने की इतनी पड़ी हुई है कि वो 2 का 4 और 4 का 10,000 और 10,000 का 2 लाख कमाना चाहता है। भले उसको 2 की रोटी निकल गई है, ब्रेड खा रहा है या पटाटा बड़ा खा रहा है या कोई ऐसी चीजें खा रहा है, लेकिन लगा हुआ है। कहीं उसको फोन पे आ जाता है कि हाँ तुम्हें 1,00,000 रुपए का फायदा हुआ है, तो उसको कितना आनंद होता है। वो और उत्साहित होकर के वो जो शाम का बटाटा पड़े उसको भी छोड़ देगा, उसमें इतना आनंद आया। इसी प्रकार से एक व्यक्ति को स्त्री संभाषण, स्त्री से मिलने की बड़ी कामना होती है, इच्छा होती है, और वो घंटों जो है किसी गर्ल्स कॉलेज के सामने या किसी सिनेमा हाउस के सामने खड़ा रहता है, स्त्रियों को देखे, उसमें उसको रस मिलता है। नाना प्रकार के रस है, किसी को भोजन में बड़ा रस है, भोजन में भोजन तो रस में होता ही है, लेकिन खूब इधर उधर जाएगा, इसलिए किसी प्रोग्राम में कीर्तन में इसलिए जाएगा क्योंकि बहुत बढ़िया प्रसाद है, बुरी बात नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई रस मिलता है। इसलिए व्यक्ति इतने रुचि से कार्य करता है। और किसी चीज में अगर आपका रस नहीं है, जैसे किसी को पढ़ने लिखने में या पुस्तक पढ़ने में रस नहीं, उसको बैठा दिया जाए पढ़ने के लिए, कितनी देर पढ़े, कोई ना कोई बहाना ढूंढने में मैं निकल जाऊं। ठीक इसी प्रकार से भक्ति में कार्य करने में जब तक हमें उस कार्य को करते हुए रस अनुभव नहीं होता, तब तक हम ज्यादा देर नहीं कर सकते। और जिसको अनुभव होने लगता है वो व्यक्ति उसको निरंतर करता रहता है और भावना से रुचि से करता रहता है। तो रूपा जी समझा रहे हैं कि जो श्रवण कीर्तन विष्णु, ये 4 चीजें बताई गई हैं। क्या बता रहे हैं? श्रवण कीर्तन मंदिर में पूजन तथा भगवत सेवा, जब हम इसको करते हैं, अगर इसमें हमें कुछ रस महसूस होना शुरू हो जाए तो आप समझिए कि हमारी प्रगति हो रही है। जब जैसे मैंने कल बता रहे थे, प्राय प्रारंभ में हम भले ही भजन कीर्तन ये सब करते हैं, लेकिन जिस रस के लिए करना चाहिए उस रस के लिए नहीं करते, उससे रिलेटेड कुछ और हमें कोई भौतिक रस की प्राप्ति हो रही है तो होता है। जैसे कीर्तन, एक बिजनेसमैन ऐसे कीर्तन में नहीं जाएगा जहां साधारण से लोग होंगे, गरीब लोग होंगे, उनके कीर्तन में नहीं बैठने लगा,
वो ऐसे केंद्र में जाएगा बड़े बड़े बिजनेसमैन, क्यों? क्योंकि उसका ध्यान, उसका रस कीर्तन में नहीं है, उसका रस है उनके साथ मिल करके कोई बिजनेस करके। आप समझ रहे हैं ना, ऊपर से लगेगा वो भी कीर्तन कर रहे हैं, ऊपर से लगेगा वो भी बड़ा क्या कहते हैं सेवा कर रहा है, या कोई व्यक्ति भगवान की सेवा के लिए मंदिर में आता है और मंदिर में चक्कर लगाता है। क्यों मंदिर में चक्कर लगाता है और दान भी बढ़ा देता है? क्यों दान भी देता है कि जब वो दान देता है मंदिर में आकर के तो दूसरों लोगों के बीच उसकी वाहवाही होती है, बड़े नियम से आएगा, बड़ा तरीके से करेगा, दान भी देगा, कहीं पर देगा तो ये सेवा तो हो सकता, लेकिन उसका क्या, उसको किस चीज में रस मिल रहा है? उसको पांचवी गैदरिंग के स्वरूप जो पढ़ रहा है उसका रस मिल रहा है। तो ये जो है ये बड़ा निम्न कोटि की सिचुएशन, ये बड़ी कनिष्ठ अधिकारी है। और दूसरा व्यक्ति जो केवल और केवल कीर्तन के दिव्य रस, श्रवण के दिव्य रस, भगवत सेवा के दिव्य रस में आता है, उसको और कुछ लेना देना चाहे एक व्यक्ति हो चाहे हजार वर्ग हो, लेकिन उसको भगवत सेवा से मतलब है, उसको कीर्तन से मतलब है, उसको कथा से मतलब है, उसको किसी और चीज से मतलब है, वो जो है वो व्यक्ति सही प्रगति कर रहा है। वरना क्या होता है कि अगर ये असली रस से आपका संपर्क नहीं है तो जैसे ही परिस्थिति बदलती है आप अपनी छोड़ देते हैं। तो व्यक्ति वह संपर्क बनाने के लिए मंदिर आता है, अगर उस मंदिर के अंदर किसी कारण दो या चार लोग आने शुरू हो जाए तो छोड़ देगा मंदिर, वो उसी जगह जाएगा जहां ज्यादा प्रॉब्लम। लेकिन जिसको इस रस का आत्मा हो जाता है, जो दिव्य रस कहा गया है, आनंदमय भगवान की सेवा में जो रस, उसको कैसे एक्सप्लेन किया है तो अनुभव का विषय, वो व्यक्ति चाहे एक आए चाहे हजार आए चाहे जो भी हो वो नहीं छोड़ सकता, वो उसका रस का आदि होता है। कई बार कोई व्यक्ति इस रस को महसूस करता है लेकिन भौतिक परिस्थिति ऐसी हो जाती है उसके जीवन में कि उसको भक्ति से दूर जाना पड़ता है। वो भक्ति से दूर तो जाता है लेकिन मन के अंदर वो है असंतुष्टि अनुभव करता रहता सदा, और फिर भगवान उसके अंदर लालसा रहती है भगवान की सेवा करने के लिए। भगवान क्या करते हैं उसके लिए फिर जीवन में किसी समय अनुकूल परिस्थिति बना देते हैं, जिस अनुकूल परिस्थिति का लाभ उठा के वो फिर उस दिव्य रस का अनुभव करने लगता है, वो बुरा बुरा भक्ति में लगता है। भगवान ही मिलते हैं किसी की सेवा किसी का भजन। तो जब हम ऐसी सेवा करते हुए रस का अनुभव करते हैं, इसके आदि हो जाते हैं, इसके एडिक्ट हो जाते हैं, इसी को रसास्वादन कहते हैं। साधु संत जो हैं वो सब कुछ छोड़ छाड़ के हर प्रकार के जो सुख सुविधाओं को छोड़ करके ब्रज में जाकर के या जहां भी जाकर के भजन करते हैं उसमें कुछ रस मिल रहा है ना। जिस दिन आप उस रस को पहचान जाते हैं उसे संसार का रस खत्म हो जाता है। तो प्रयास करना चाहिए कि इस रस को अनुभव करें। कैसे अनुभव करेंगे? जब हम श्रील प्रभुपाद जी के बताए हुए रास्ते बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करें, ये स्वतः ही आपके अंदर प्रकट होगा, इसको किसी और भौतिक तरीके से नहीं किया जा सकता। हम चाहेंगे कुछ बहुत क्लासेस करके, सेमिनार करके या कोई तपस्या करके इसको प्रकट करेंगे। इसकी एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो प्रभुपाद जैसे महाभागवत बताते हैं नियम से धीरे धीरे करके, जैसे मंगल आरती का मंगल आरती का भी ऐसे ही, किसी को बोलिए मंगल आरती तो नहीं आनी, लेकिन जो आना शुरू हो जाते हैं वो मंगल आरती को तो छोड़ नहीं सकते, लेकिन छोड़ दिया तो कुछ असंतुष्टि होती है। तो जब तक एक बार सुबह सुबह आके मैं मंगल आरती करके जप नहीं कर लेंगे उनको आनंद नहीं आएगा, कुछ रस है। हमारे कुछ बालक ऐसे हैं जो उनका एग्जाम भी होगा मंगल आरती, उनको कुछ आनंद
छोटे छोटे बच्चे हैं ये भी आ रहे हैं, क्यों? कुछ ना कुछ रस मिल रहा है। तो इस रस को पहचानिए, प्रभुपाद जी के बताए हुए रास्ते पे चल के और इसमें स्थित होइए। इसी को जब हम कॉन्सेंट्रेटेड करते जाएंगे तब हमारी जो है प्रगति होगी आगे। भक्ति साधु संत की जय। धर्म को संत को पालना आज के लिए।